हाल ही के दिनों में कई ऐसे देश हैं जो बुर्का पहनने पर सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। अब श्रीलंका बुर्का पहनने और देश के हजार से अधिक मदरसों को बंद करने की योजना बना रहा है। श्रीलंका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बुर्का को बैन करने की योजना को लेकर शनिवार को घोषणा की। श्रीलंका के जन सुरक्षा मंत्री शरद वीरसेकरा ने कहा, बुर्के का राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव है। शुरुआती दिनों में हमारी कई मुस्लिम मित्र थीं, हालांकि मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों ने कभी बुर्का नहीं पहना। ये एक तरीके का धार्मिक कट्टरपंथ है जो कि हाल ही में सामने आया है। हम इस पर अवश्य प्रतिबंध लगाएंगे। आपको बता दें कि श्रीलंका में 2019 में ईस्टर रविवार के दिन चर्च और होटलों में हुए बम हमलों के बाद बुर्का पहनने पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। इन हमलों में 260 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस पर वीरसेकरा ने ये भी कहा कि सरकार हजार से अधिक मदरसों पर भी प्रतिबंध लगाएगी, क्योंकि ये विभागों के पास पंजीकृत नहीं है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अनुसरण नहीं करते हैं। श्रीलंका की आबादी करीब 2,20,00,000 है, जिनमें से मुस्लिमों की आबादी करीब 9%, हिंदुओं की 15% और बौद्धों की 70% से अधिक है। आपको बता दें कि श्रीलंका पहला देश नहीं है जिसने बुर्का को बैन किया है। इससे पहले स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया। स्विट्जरलैंड के अलावा भी कई देशों ने अपने यहाँ बुर्के पर प्रतिबंध लगा रखा है। यूरोपीय देशों में ये नियम कहीं लचर है तो कहीं कठोर प्रतिबंध है। कई देशों में तो बुर्का पहनने पर जुर्माना और जेल भी है। 2011 में फ्रांस की सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का को पूरी तरीके से बैन कर दिया। डेनमार्क, बेल्जियम, हॉलैंड और जर्मनी में भी बुर्का बैन है। इसके अलावा स्पेन के कई जिलों में बुर्के और नकाब पहनने पर प्रतिबंध है। हालांकि इटली में बुर्का राष्ट्रीय स्तर पर बैन नहीं है, लेकिन नोवारा ने अपने यहां पर बुर्के पर प्रतिबंध लगाया है। श्रीलंका के वजीर ने कहा कि हुकूमत 1000 से ज्यादा दीनी मदारिस पर पाबंदी आयत करने का मंसूबा रखती है जो कौमी तालीमी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल नहीं खोल सकता और बच्चों को अपनी मर्जी से जो चाहे वो पढ़ा नहीं सकता। श्रीलंका की हुकूमत ने कोविड-19 की वबा के दौरान वायरस से फौत होने वाले मुस्लिम अफराद की मैयतों को नजर आतिश करने का हुक्म दिया था। अमेरिका और बैनुल अक्वामी हुकूक इंसानी तंजीमों की तनकीद के बाद इस साल के अवाइल में इस पाबंदी को बर्खास्त किया गया था।